अथ श्रीयोगवासी स्थिति प्रकरणे षोडश सर्ग वशिष्ठ अथ क्षिप्य बचस्त तनयस्य उवाच भगवान कालो बचो गंभीरस्वन काल उवाच समङ्गातापसीमेताम् तनुम् सन्त्यज्य भार्गव प्रविशे माम् तनुम् साधो नगरीमिव पार्थिवः काले पूर्वजया तन्वा तपः कृत्वा तया पुनः गुरुत्वमसुरेन्द्राणाम् कर्तव्यम् भवता नघ महाकल्पान्त आयाते भवता भार्गवीतनुः अपुनर्ग्रहणायैषा त्याज्या प्रम्ला पुष्पवत् जीवन्मुक्तपदम् प्राप्तस्तन्वा प्राक्तनरूपया महासुरेन्द्रगुरुताम् कुर्वन् महामते कल्याणमस्तु वाम् यातो वयम् त्वभिमताम् दिशम् न किञ्चिदपि यच्चित्तम् यस्य नाभिमतं भवेत् इत्युक्त्वा मुञ्चतो बाष्पम् तयोः सोऽन्तरधीयत तप्ताङ्ग्योरिवरोदस्योः सममं मान् गते तस्मिन् भगवति कृतान्ते भवितव्यताम् भार्गवो भेद्याम् नियतेर्नियताम् गतिम् कालकारणसंशुष्काम् भावि पुष्पशुभोदयाम् विवेशताम् तनुम् बालाम् सुतलामिव माधवः सा ब्राह्मणी तनुर्भूमौ विवर्णवदनाङ्गिका पपातकम्पिता तूर्णम् छिन्नमूला यथा तस्याम् प्रविष्टजीवायाम् पुत्रतन्वाम् महामुनिः चकाराप्यायनम् मन्त्रैः कमण्डलु वारिभिः सर्वा पूर्णा विरेजिरे सरितः प्रावृषी पूरपूरितकोटराः नलिनी प्रावृषीवासौ मधा यदा पूर्णा तदा तस्याः प्रान्ताः पल्लविता बभुः अथ शुक्रः समुत्तस्थौ वहत्प्राणसमीरणः रसमारुतसंयोगादापूर्ण इव वारिदः पुरोऽभिवादयामास पितरम् पावना कृतिम् प्रथमोल्लासितो मेघः स्तनितेनेव पर्वतम् पिताथ प्राक्तनीम् तन्वा आलिलिङ्गाकृतिम् ततः स्नेहार्द्रवृत्तिर्जलदश्चिराद्रितटीमिव भृगुर्ददर्शस स्नेहम् प्राक्तनीम् तानवीम् तनुम् मत्तो जातेयमित्यास्थाम् हसन्नपि महामतिः मत्पुत्रोऽयमिति स्नेहो भृगुमप्यहरत्तदा परमात्मीयता देहे यावदाकृतिभाविनी बभूवतुः पिता पुत्रौ तावथान्योन्यशोभितौ निशावसानमुदिता वर्गपद्माकराविव चिरसङ्गमसम्बद्धा विव घनागमनस्नेहौ मयूरजलदाविव चिरकालदृढोत्कण्ठौ तुल्ययोग्यतया तया स्थित्वा तत्र मुहूर्तम् तावथोत्थाय महामते समङ्गाद्विजदेहम् तम् भस्मसात्तत्र चक्रतुः को हि नाम जगज्जातमाचारम् नानुतिष्ठति एवम् तौ कानने तस्मिन् पावने भृगुभार्गवौ संस्थितौ तापसौ दीप्तौ दिवीव शशिभास्करौ चेरतुर्ज्ञातविज्ञेयौ जीवन्मुक्तौ जगद्गुरु देशकालदशौघेषु सुसमौ सुस्थिरौ ततः अथा सुरगुरुत्वम् स शुक्रः कालेन लब्धवान् भृगुरप्यात्मनो योग्ये पदे तिष्ठदनामये शुक्रोऽसौ प्रथममिति क्रमेण जातस्तस्मात् सत्परमपदादुदारकीर्तिः स्वेनाशुस्मृतिपदबिभ्रमेण पश्चादन्येषु ब्रवी लुलितो दशान्तरेषु इत्यार्षे श्री वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकिये मोक्षोपायेषु स्थिति प्रकरणे भार्गव शुक्रस्य पुनर्जीवनम् नाम षोडससर्गः अथ सप्तश सर्ग श्रीरामच भगवन्भगुपुत्र प्रतिभासाभूति यथा सफला जता श्री किं भविष्ठ यम् प्रथममुत्पन्ना सा तनुर्ब्रह्मणः पदात् शुद्धा जातिर्भार्गवस्य नान्यजन्म कलङ्किता सर्वैषणानाम् संशान्तौ शुद्धचित्तस्य या स्थितिः तत्सत्यमुच्यते सैषा विमला चिदुदाहिता मनो निर्मलसत्त्वात्म यद्भावयति यादृशम् तत्तथाशु भवत्येव यथा वर्तो भवेत्पयः यथा भृगुसुतस्यैव बिभ्रमः प्रोत्थितः स्वयम् प्रत्येकमप्येवमेव दृष्टान्तोऽत्राभिगोः सुतः बीजस्याङ्कुरपत्रादि स्वम् चमत्कुरुते यथा सर्वेषाम् भूतसङ्घानाम् भ्रमखण्डास्तथैव हि यदिदम् दृश्यते विश्व मेवमेवाखिलम् जगत् प्रत्येकमुदितम् मिथ्या मिथ्यैवास्तमुपैति च नास्तमेति न चोदेति जगत् किञ्चन कस्यचित् भ्रान्तिमात्रमिदम् मायामुग्धेव परिजृम्भते यथा सम्प्रतिभासस्थः स्वयं संसारखण्डकः तथा तेषाम् सहस्राणि मिथ्यादृष्टानि सन्ति स्वप्नसङ्कल्पनगरव्यवहाराः परस्परम् पृथग् यथा न दृश्यन्ते तथैते संश्रितिभ्रमाः एवम् नगरवृन्दानि नभः सङ्कल्परूपिणी सन्ति तानि न दृश्यन्ते मिथ्याज्ञानदृशम् विना पिशाच यक्षरक्षांसि सन्त्येवं हो संकल्प मात्र सुख दुःखमयानि च एवमेव वयं चेमे संपन्ना रघुनंदन स्वसंकल्पात्मकाकारा मिथ्या एवंरूपैव हि परे विद्यते सर्गसन्ततिः न वास्तवी वस्तुता तु संस्थितैव मवस्तुनि प्रत्येकमुदितं विश्व मेबमेव बमेव मुधैव हि बनगुल्मगरूपेण वसन्तैकरसो यथा प्रथमोऽयम् स्वसङ्कल्पः प्रथामभ्यागतो यथा तथाति परमार्थेन दृष्टेनेत्थम् विभाव्यते प्रत्येकमुदितम् चित्तम् स्वस्वभावोदरस्थितम् इदमित्थम् समारम्भम् जगत् विनश्यति प्रतिभासवशादस्ति नास्ति वस्त्ववलोकनात् दीर्घस्वप्नो जगज्जाल मालानम् चित्तदन्तिनः चित्सत्तैव जगत्सत्ता जगत् सत्तैव चित्तगन् एकाभावाद्वयूर्नाशः सचो सत्यो विचारणात् शुद्धस्य प्रतिभासो हि सत्यो भवति चेतसः प्रमार्जनादिमणिर मलीनस्य युक्तितः चिरमेकदृढाभ्यासा शुद्धिर्भवति चेतसः अनाक्रान्तस्य सङ्कल्पैः प्रतिबोदेति चेतसः सुवर्णम् न स्थितिम् याति मलवत्यंशुके यथा एकादृष्टिः स्थितिम् याति नमं चित्त के तथा श्रीराम उच कालक्रिया जगते सोदयास्तमया जाता कथम शुक्र से चेतस श्रीवसिष्ठौ उवाच यादृक्जगदिदम् दृष्टम् शुक्रेण पितृशास्त्रतः तादृक्कस्य स्थितम् चित्ते मयूराण्डे मयूरवत् स्वभावकोशस्थमिदम् तदेतेन क्रमोदितम् पुष्पफलम् यथा जीवो यद्वासनाबद्धस्तदेवान्तः प्रपश्यति स्वरूपम् चात्र दृष्टान्तो दीर्घस्वप्नस्त्विदम् जगत् प्रत्येकमुदितो राम नूनं संश्रितिखण्डकः रात्रौ सैन्य नरस्वप्नजालवत् स्वात्मनिःस्फुटः श्रीरामोवाच एष संश्रितिखण्डोऽ मिथः स मिलति स्वयम् नो वा मिलति तन्मे त्वम् यथावद्वक्तुमर्हसि श्रीवसिष्ठोवाच मलिनम् हि मनो वीर्यम् न मिथः श्लेषमर्हति अयोयसि च सन्तप्ते शुद्धे तप्तम् तुलीयते चित्ततत्त्वानि शुद्धानि सम्मिलन्ति परस्परम् एकरूपाणि तो यानि यान्त्यैक्यम् नाविलानि हि शुद्धिर्हि चित्तस्य विवासनत्वा मभूतसंवेदनमेकरूपम् तस्याशु शुद्ध्या भवति प्रबुद्धस्तन्मात्रयुक्त्या परसङ्गमेति इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपायेषु स्थितिप्रकरणे भार्गवोपाख्याने मनोराज्यसम्मेलनम् नाम सप्तदशः सर्गः अब स्थिति प्रकरण के सर्ग एक से सत्रह तक का संक्षिप्त हिंदी में सार कहते हैं रूप से जगत का वर्णन किया गया है और जगत की स्थिति का खंडन करके पूर्णानंद स्वरूप सन्मात्र की स्थिति का कथन किया गया है मन को ही जगत का कारण बताकर उसके नाश होने पर जगत की शून्यता का कथन अंतिम सर्गो में किया गया है श्री वशिष्ठ जी कहते हैं हे hey श्री राम अब उत्पत्ति प्रकरण के अनंतर इस स्थिति प्रकरण को श्रवण करो जो जान लिए जाने पर निर्वाण प्रदान करने वाला है इस प्रकार जगत रूप से स्थित यह दृश्य प्रपंच और अहंता आदि आकार रहित भ्रांति मात्र और असत स्वरूप ही है यह जगत आकाश में उत्पन्न हुए चित्र के समान एक निराधार विलक्षण चित्र है यह यद्यपि ब्रह्म से अभिन्न है तथापि जल में उसके भंवर की भांति ब्रह्म में अन्यसा स्थित होकर लक्षित होता है यह जगत रूपी चित्र चित्र लिखित उद्यान की तरह फूला हुआ है इसकी आकृति मकरंद आदि रस से रहित होने पर भी सरस प्रतीत होती है यद्यपि इसका रूप रोगयुक्त नेत्रों द्वारा देखे गए अंधकार के चक्र के समान वास्तविक नहीं है वास्तव में नहीं है तथापि यह प्रत्यक्ष जैसा दिखता है यह रसात्मक होता हुआ भी परिणाम में अत्यंत कटु है और इस जगत के उत्पत्ति और विनाश होते रहते हैं हे ज्ञानवानों में श्रेष्ठ श्री राम जो समस्त कल्पनाओं से अतीत एवं निर्मल है उस महान अनंत निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म में यदि वास्तव में जगत आदि अंकुर रूप में विद्यमान हैं तो बताओ कि वह प्रलय काल के पश्चात किन सहकारी कारणों के सहयोग से उत्पन्न हो सकता है क्योंकि इस जगत में किसी ने कभी भी बंध्या की कन्या के समान सहकारी कारणों के अभाव में अंकुर की उत्पत्ति नहीं देखी है अतः तो हे श्री राम यदि कहो कि सहकारी कारणों के अभाव में भी रज्जु में सर्प की तरह जगद रूपी अंकुर आविर्भूत हुआ है तो ऐसी दशा में मूल कारण ही जगत स्वभावता को प्राप्त हो गया है क्योंकि सृष्टि के आदि में यथास्थिति निराकार ब्रह्म ही सृष्टि रूप से अपने स्वरूप में स्थित होता है अतः वहां जन्य जनक का क्रम कहां से घट सकता है इसलिए हे श्री राम यह जगत न तो था न है और न होगा ही अतः ब्रह्म में जगत का तीनों कालों में अत्यंत अभाव है सच्चिदानंद परमात्मा ही अपने आप में इस प्रकार जगत के रूप में विकसित हो जाता है हे वत्स राम जब इस जगत का अत्यंताभाव हो जाता है तब केवल एक ब्रह्म ही शेष रहता है किंतु यदि जगत प्रतीत होता है तो वह ब्रह्म ही है उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है जब काम कर्म वासना आदि भावों के साथ यह दृश्य प्रपंच का उपशमन हो जाता है तभी इस जगत का भाव होता है परंतु चित्त के मौजूद रहते दृश्य जगत का शमन होना संभव नहीं है इसलिए परमात्मा के यथार्थ ज्ञान के बिना दृश्यता की शांति नहीं हो सकती अतः दृश्य स्वरूप जगत का सर्वथा अत्यंता भाव ही दृश्यता की शांति का एकमात्र उपाय है इसके अतिरिक्त पूर्ण रूप से अनर्थ के विनाश के लिए दूसरी कोई युक्ति नहीं है परमात्मा स्वयं ही अपने संकल्प से अपने अंदर वर्तमान जिस चमत्कार को प्रकट करता है वही सृष्टि रूप से प्रतीत होता है उसका वास्तव में न तो कोई रूप है और न कोई आधार ही है जैसे महाशिलाओं पर खुदे हुए लेखों के स्वरूप दिख पड़ते हैं उसी तरह ये सृष्टियाँ न उत्पन्न होती हैं न नष्ट होती हैं तथा न आती हैं न जाती हैं केवल प्रतीत होती हैं जैसे जल का द्रवत्व वायु का स्पंदन समुद्र के आवर्त और गुणी के गुण अपने आधार स्थान से भिन्न नहीं हैं उसी तरह उत्पत्ति विनाशशील कार्यों वाला यह जगत एकमात्र अनंत शांत विस्तृत विज्ञान घन ब्रह्म रूप से ही स्थित है उससे पृथक नहीं श्री रामजी ने पूछा हे गुरुदेव महाप्रलय के पश्चात सृष्टि के आरंभ में सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाले ये प्रजापति स्मृति रूप से ही उत्पन्न होते हैं इसलिए मैं तो ऐसा समझता हूँ कि उन स्मृत्यात्मा से प्रकट हुआ यह जगत भी स्मृति रूप ही है श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे रघुद्व यह ऐसा ही है महाप्रलय के अनंतर स्वर्ग के आदि में सर्वप्रथम ये प्रजापति स्मृति रूप से ही प्रकट होते हैं अतः उनका संकल्पभूत यह जगत भी स्मृति रूप ही है उन प्रजापति का प्राथमिक संकल्प नगर ही जगत रूप से प्रकाशित हो रहा है ज्ञानी के लिए यह जगत शांत एवं अविनाशी केवल ब्रह्म ही है परंतु वही अज्ञानी की बुद्धि से भासमान नाना प्रकार के लोकों से युक्त है पर्वत पर स्थित परमाणु जैसे पर्वत से भिन्न नहीं है और न उसकी गणना ही की जा सकती है उसी प्रकार ब्रह्मरूपी महान मेरुगिरी पर स्थित यह त्रैलोक्य रूपी परमाणु ब्रह्म से अभिन्न तथा असंख्य हैं इस सृष्टि को यदि सृष्टि के रूप में ही समझा गया तब तो यह अधोलोक में ले जाती है परंतु इसी को यदि ब्रह्म रूप से जान लिया गया तो यह परम मंगलमयी हो जाती है यह सब जगत विश्व के कारण विज्ञान स्वरूप सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा ही है क्योंकि जिससे जो उत्पन्न होता है उसे तद्रूप ही समझना चाहिए इसलिए समस्त वेद्य दृश्य प्रपंच आत्मज्ञान हो जाने पर ज्ञानी की दृष्टि में शुद्ध चिन्मात्र ही है हे श्री राम साधक के द्वारा इंद्रिय समुदाय पर विजय प्राप्ति रूपी पुल के आश्रय से ही इस भवसागर को पार किया जा सकता है अन्य किसी भी कर्म से इससे पार पाना कठिन है निरंतर शास्त्राध्ययन और सत्संगति के अभ्यास से जो विवेक युक्त हो गया है वही इंद्रिय जयी होता है और उसी को इस दृश्य प्रपंच के अत्यंता भाव का ज्ञान भी प्राप्त होता है सौंदर्यशालियों में श्रेष्ठ श्री राम संसार सागर की श्रेणियां जैसे आती हैं और पुनः जैसे चली जाती हैं वह सारा स्वरूप मैंने तुमको वर्णन कर दिया अब इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ मन ही कर्मरूपी वृक्ष का अंकुर है उस मन के नष्ट हो जाने पर कर्मरूपी शरीर वाला संसार वृक्ष भी नष्ट हो जाता है हे श्री राम यह सब कुछ मन ही है इस मन की चिकित्सा हो जाने पर जगत जाल रूपी सारी व्याधियों की चिकित्सा हो जाती है जब यह मन ही देहाकार रूप से मनन करता है तब लोक में कर्म करने में समर्थ देह उत्पन्न हो जाती है भला कहीं मन से भिन्न भी देह देखी जाती है जैसे विशाल आकाश में असत्स्वरूप गंधर्व नगर की प्रतीति होती है उसी तरह विषयों के चिंतन से वृद्धिंगत हुए मन में यह सारा जगत स्फुरित होता है मन ही जगत है तथा संपूर्ण जगत ही मन है ये दोनों एक साथ रहते हैं हे रघुनंदन समस्त ऐसाओं की शांति हो जाने पर विशुद्ध चित्त पुरुष की जो स्थिति है उसी को सत्य आत्मतत्व कहा गया है और उसी को निर्मल चैतन्य कहते हैं निर्मल सत्वरूप मन जिस वस्तु के विषय में जैसी भावना करता है वह वस्तु तत्काल वैसी ही हो जाती है जैसे इस समय जागृत अवस्था में हम लोगों को संसार का स्वयं ही प्रत्यक्ष भान होता है उसी प्रकार स्वप्न और भ्रम आदि अवस्थाओं में सहस्रों संसार भी मिथ्या दृष्टिगोचर होते हैं जैसे एक व्यक्ति को दूसरे के स्वप्न और मनोरथ संबंधी नगरों के व्यवहार पृथक होने के कारण दिखाई नहीं देते उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के ये संसार रूपी भ्रम पृथक पृथक होने के कारण एक दूसरे के दृष्टिगोचर नहीं होते इसी प्रकार संकल्प रूपी आकाश में अनेक संसार रूपी नगरों के समुदाय हैं परंतु वे ज्ञान दृष्टि के बिना मिथ्या नहीं प्रतीत होते जैसे एकमात्र वसंत ऋतु का रस ही वन लता और गुलम आदि के रूप में प्रकट होता है उसी तरह एकमात्र परब्रह्म परमात्मा ही प्रत्येक व्यक्ति के लिए मिथ्या जगत रूप से प्रकट हुआ है अपना यह संकल्प ही जगत के आकार में प्रतीत हो रहा है यह बात अत्यंत परमार्थ दृष्टि से ही ज्ञात होती है अपने अपने स्वभाव अनादि अज्ञान के भीतर स्थित चित्त ही प्रत्येक जीव में इदमिथम रूप से प्रतीत होने वाला यह जगत है इस प्रकार प्रतीति मात्र जगत को असत्य समझने वाला चित्त स्वयं ही नष्ट हो जाता है क्योंकि प्रतीति काल में ही इस जगत की सत्ता है परमार्थ वस्तु अधिष्ठान रूप ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर उसकी सत्ता नहीं रहती चित्त की सत्ता ही जगत है और जगत की सत्ता ही चित्त है एक के अभाव में दोनों का अभाव हो जाता है यह इन दोनों का अभाव सत्यस्वरूप सच्चिदानंद घन परमात्मा विषयक विचार करने से ही संभव है जैसे मलिन मणि को युक्ति से साफ करने पर उससे शुद्ध प्रकाश प्रकट होता है उसी तरह शुद्ध चित्त का अनुभव सत्य होता है चिरकाल तक एक परमात्मा के चिंतन रूप दृढ़ अभ्यास से चित्त की शुद्धि होती है जो संकल्पों से आक्रांत नहीं है ऐसे चित्त से ज्ञान का उदय होता है जैसे मलिन वस्त्र में सुंदर रंग नहीं टिकता उसी तरह वासना से मलिन चित्त में ब्रह्माकार रूप एक दृष्टि स्थिर नहीं होती वासना से रहित होना ही चित्त की शुद्धि है जगत के ज्ञान से शून्य और एक ब्रह्माकार होना ही उसका वासना से रहित होना है चित्त की शुद्धि होने से पुरुष शीघ्र ही प्रबुद्ध ज्ञान संपन्न हो जाता है चित्त का चिन्मय परमात्म रूप में लय हो जाना ही उसकी वास्तविक शुद्धि है इस शुद्धि का लाभ होते ही प्रबुद्ध पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है इस प्रकार वाल्मीकि रचित वाशिष्ठ महारामायण के देवदूतोक्त मोक्षोपायों में स्थिति प्रकरण के सत्रहवें सर्ग में मनोराज्य का सम्मेलन नाम का यहाँ सत्रहवा सर्ग पूरा हुआ